ना ये किसने बात करी थी अभी नौटंकी नौटंकी, अरे तुम कहे कि नौटंकी की बात करो, हम तो झेल ही रहे हैं। ये हमारे तो तीसरे दिन का काम है, कुछ ना कुछ देखना ही है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखो इन्होंने नौटंकी की बात की तो अगर बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना कि हमने ये क्या बताएंगे अपने को, अपने अपन कितने दुखी हैं। मैं बताता हूँ नौटंकी की बात कर रहे थे तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आज पढ़ रहा हूँ भैया, ये कल से आपकी है पंडित जी अनिल ज्योति, सुनना पंक्तियां। बबलू शर्मा जी बैठे हैं, आज चार पंक्तियां सुनना। अगर अपना दर्द हो आपका दर्द हो तो ताली बजाना। हमने अपने दर्द को अपना सहायक बना दिया, खुद को इतना सताया कि दर्द सहने के लायक बना दिया। और अगली दो पंक्ति पे अब उछल जाना अगर मन की बात कह दूं तो, कि हमने अपने दर्द को अपना सहायक बना दिया, खुद को इतना सताया कि दर्द सहने के लायक बना दिया। और हमको तो नौटंकी देखने का बहुत शौक था साहब, इसीलिए हमने एक मदारी को विधायक बना दिया। इधर भी आ जाओ, वहां से क्यों मेरा प्राण पी रहे हो, राजनीति की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना अपन राजनीति का टेंशन नहीं लेते, ये देखो हमारे, मैंने कहा ना ये पार्षद है अनिल ज्योति, ये कितना सीधा आदमी बापड़ा, सबसे ज्यादा वोट से जीता और इसको यही समझ नहीं पड़ रहा कि पार्षद बना के दरोगा बना। इधर बंटी आगे आके फंस ही गया है, ये आनंद ले रहा है, अब इसको मालूम ही नहीं है कि हाथ जोड़ जोड़ के वो लाली ने वोट मांगे, चुनाव जीती ने, मजे ही ले लिया जबरदस्ती में। आज ताली बजाओ बंटी के लिए एक बार। अच्छा देखो ये हमारे, मैंने कहा ना ये अनिल जोशी, ये विजय भैया बैठे हैं सामने, ये पार्षद है, ये सब अपने घर के बढ़िया लोग है, कितने ये हमारे विजय पाटीदार फायर ब्रांड नेता है। इधर देखो आप अनिल जोशी कितना सीधा आदमी, बेचारा देखो तो ही गया आ जाए। अच्छा इतना सीधा आदमी, एक दिन मैंने यहाँ पर हमारे कार्यालय पर खड़े थे, मैंने कहा यार पंडित जी अगरबत्ती लगाना माचिस लेके आओ, ये तूफान की तरह गए आंधी की तरह आए, और अब की बार अकेले नहीं आए, विजय भैया का हाथ पकड़ के आए। मैंने कहा क्या हुआ, तो तुमने माचिस मंगाई थी, मैंने कहा तो माचिस तो नहीं मिली पर मैं विजय पाटीदार को ले आया हूँ, आग यही लगाता है। साहब तालियां बजाए एक बार जोरदार। मैंने नहीं चलेगा, आप बोलते क्या मालवा के लोग है, मालवा का आदमी, मैंने कहा ना एक्स्ट्रा एडवांस होता है, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे, ये सब चिल्लाते बुद्धिजीवी, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। मैंने पूछा फिर सस्पेंड किया किसने, हम विश्व गुरु थे तो आज भी हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा अमेरिका ने एक मशीन बनाई चोरी पकड़ने की, पहले दिन अमेरिका में प्रयोग किया चार चोरी पकड़ी, दूसरे दिन चीन में प्रयोग किया 40 चोरी पकड़ी, तीसरे दिन मशीन को रूस ले गए 100 चोरी पकड़ी, चौथे दिन मशीन को पाकिस्तान ले गए वहां पे उसने 500 चोरी पकड़ी, उसके बाद मशीन में से आवाज आई अपने आप, तुम तो हो ही छोटे। नहीं सही कह रहा हूं मैं, मशीन में से आवाज आई अपने आप, तुम तो हो ही छोटे। छठे दिन मशीन को भारत लाए, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई, तो अपन तो है ऑलरेडी विश्व गुरु। अच्छा बात यहां तक थी तो ठीक था, हमारे शिवराज सिंह जी ने आदेश निकाला विदेशी मशीन थी चोरी हो गई उसको ढूंढो, तो हमारे इंदौर के 1 TI और 2 कांस्टेबल ने 4 घंटे में उस मशीन को ढूंढ निकाला, और जिसके पास से मशीन मिली उसके पास से पक्की खरीदी का बिल निकला। और हद तो तब हो गई जब 10वें दिन अमेरिका से खबर आई मशीन वापस भेजो, मशीन की बिल बुक चोरी हो गई। तो हम तो क्या है, हम ऑलरेडी विश्व गुरु हैं। माइक वाले भैया से निवेदन है इसकी आवाज बढ़ा दो, गला बहुत खींच रहा है नहीं तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, यहाँ प्राण निकल जाएंगे मेरे इतनी देर में। मैंने कहा ना हम तो विश्व गुरु ऑलरेडी हैं। देखिए मैं पहला कवि आपकी अदालत में खड़ा करता हूँ, कवि सब बढ़िया है, छठे छठाए कवि आज की रात बुलाए हैं। इधर देखो आप कोने पर बैठा है एक, ये सिंगल चेचिस, ये बंबई से आया है नहीं, ये इसका हाई टीका में बाकी सब मामला ठीक ठाक है। और तुम ज्यादा इतनी टेंशन मत पालो, मोबाइल कितना ही बड़ा हो सिम जरा सी काम करती है, इसमें है करने की क्या बात है। ये आप तो बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह समझते हो। आज देखो मोटरसाइकिल कितनी बड़ी हो उसको चलाने के लिए पेट्रोल जरा सी नली से ही आता है। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत पालो, अपन तो क्या मालवा में रहते हैं,
अपन तो मालवा में संस्कारी लोग हैं, नहीं तो संस्कार कहाँ जा रहे? ये सब चिल्लाते देश के संस्कार कहाँ जा रहे, देश के संस्कार कहाँ जा रहे? मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे, जब अपन ही कहीं नहीं जा रहे देश के संस्कार कहाँ जाएंगे? अपन यहाँ है, देश के संस्कार यहाँ है। अपने आज बढ़िया, उधर चले जाओ आप छत्तीसगढ़ केरल में, उधर की तो हालत ही खराब है। 21 शादी हुई, पहली रात में पत्नी से बोला कि देख मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ, पहली रात में सब सही सही बताता हूँ। मेरे कॉलेज के जमाने में 3-4 लड़कियों से दोस्ती रही, कभी वो घर वर आज तो टेंशन मत पालना। उसने फिर नई लाड़ी से कहा देख मैं तो 21वीं सदी का नौजवान हूँ, तेरी भी कॉलेज के जमाने में किसी लड़के वड़के से दोस्ती रही हो तो बेहिचक के दे, मेरा कोई टेंशन नहीं। वो नई लाड़ी कुछ भी नहीं बोली, उसने पर्स खोला और एक पोटली निकाल के रख दी। लड़के ने पूछा ये क्या है, तो खोल के देख लो। लड़के ने पोटली खोली तो उसमें से इतने सारे चने निकले 70-75 और एक 50 का नोट। लड़के ने पूछा ये क्या है, तो कह देखो जी मेरी तो कॉलेज के जमाने में जब भी किसी लड़के से दोस्ती होती थी मैं उसके नाम का एक चना रख देती थी। लड़के का दिमाग खराब, कि ये तो 70-75 चने हैं। तो क्या हाँ, तो क्या ये 50 का नोट, तो क्या इसमें से आधा किलो चने परसों बेच भी तो दिए। तो